सुबह के बजने वाला है 8:45। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। कल बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाभी वीडियो कंटिन्यू रखे, तो भाभी अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं। हार्दिक भाई ने ऑफर दिए। क्या ऑफर दिए? थोड़ा जोर से बोलिए। तो प्लीज आज आप वीडियो बना देंगे, मैं एडिट अपलोडिंग सब कर दूंगी। आपको अच्छा लगे तो वो भी करना, लेकिन वो तो ना ही बोला है। पूरा बोलो। तो आज हार्दिक भाई कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आई होप ने लागू જોઈ તો આલે પરાણો નો ને તમે તમારું એમ કહેવાનું એમ અને મને તો બહુ જ સારું લાગ્યું। રોજ આવા ને આવા કામ હાર્દિક ભાઈ કરતા રહે એવી મારી શુભકામના। મને આવો જ આરામ દેતા રહે એ માટે બહુ વધારે ફ્રી રહું। હા તો નાસ્તા બસ્તા હો ગયા? દેજ ભાખરી દહીં ઓર કાસરી। ઓકે ગુડ મોર્નિંગ મમ્મી। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और पापा यहाँ पे बैठ गए हैं, सुविचार ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, ये प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई अनमोल देन है, इसे कभी मत नुकसान पहुंचाना। ओके थैंक यू। ओके वेलकम। तो सुबह के बच चुके 11:15 और मैं हेजू को लेके आ गया हूँ ट्यूशन से घर पे। और भाभी यहाँ पर बैठ चुके हैं नई कुर्ती पहन के, बहुत अच्छी लग रही है नई कुर्ती। थैंक यू। तो अभी यहाँ पर मम्मी काट रही है भिंडा, हेजू का फेवरेट सब्जी। हेजू भिंडा नु शाक बनने वाला है रस। क्या बोल रहे हो भाभी? रस बनना है, रस बनना है, मैंगो जूसी बनना है। भाभी कुछ बोलने वाले थे, क्या बोलने वाले थे बताओ? भाभी यही बोलने वाले थे कि कल जो मैंने वीडियो रखा था उसमें मैंने बोला था शायद नहीं रख पाएंगे लोग, लेकिन बहुत सारी इतनी कमेंट्स आई, ज़्यादातर वही कमेंट आई कि वीडियो आप बंद मत करो। एक दो तो स्टूडेंट भी ऐसे थे कि हम हमारी एग्ज़ाम या पढ़ने के लिए आपका वीडियो देखते हैं माइंड फ्रेश करने। हाँ, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। कोई लोगों को नींद नहीं आती है हमारे वीडियो देख के, कोई लोगों को खाना नहीं अच्छा लगता है हमारे वीडियो के देखने, मतलब कि ना देखे, तो इसलिए आज सोचा हार्दिक भाई को थोड़ा काम सौंप दूं। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा बोला आप कुछ भी मत रखो, बस आप लोगों का मुंह सिर्फ दिखा दो तो ही तो भी हमें चलेगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही आप मोटिवेट करते हो तो इसलिए हम ब्रेक नहीं ले पाते है और मैं भी तो, वीडियो बना पाता हूँ। हाँ कभी कभी। और यस हार्दिक भाई इस वजह से थोड़ा बोलना सीख जाएंगे। मैं बोल तो पाता हूँ लेकिन वो वीडियो में थोड़ा कम बोल रहा हूँ। हार्दिक भाई की पहले से ही आदत ही है कम बोलने की, लेकिन आप लोग मार्क करना पहले के वीडियो में और अभी के वीडियो में हार्दिक भाई का बोलना थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ बस हम थोड़ा खारू बोलो तो मजा आए। वखाण करा करो तो तमारो ये बच्चे ने वखाण करो तो मजा आवे। बदला ले वीडियो बना तो हो तन के सवाल ने खबर तन हो के वैसे तो आप समझदार हो ही। वो तो मैं हूं ही। तो मैंने आप वो भी आपकी क्रिएटिविटी बता सकते हो नीचे जाके फूल पान सब कुछ लेके। हाँ तो दिखा देता हूँ ना। हाँ, थोड़ा सब कुछ। और एक ही पान दो मिनट तक मत खींचना। थोड़ा टूका दे, जैसा आएगा उतना मैं लूंगा। हार्दिक भाई जब वीडियो चालू करते हैं ना तब कंटिन्यू इतने 30-40 मिनट का उतार लेते हैं, बाद में मुझे एडिटिंग करने में इतनी दिक्कत हो जाती है ना। आज मैंने बोला है थोड़ा कम उतारना, तो हार्दिक भाई ने बोला कम क्या, मैं तो चालू कर दूंगा बाद में जो आए वो। दो तीन नहीं, हम तो एक महीने पहले एक बिलाड़ी का वीडियो ले रहे थे हार्दिक भाई, तो वो ये बिलाड़ी मम्मी आई थी वो भी था आम छे खुद के देव दी बिलाड़ी ने ली दई 10 मिनट पे बिलाड़ी मोई गई। बिलाड़ी लंबा थाई लग बार वीडियो बना बोल दी। ये कितने खुश थे कि आज हमारे यहां पे रेसिपी होने वाली है मैंगो जूसी की। नई रेसिपी आ गई है आज काम कटाने में। तो हार्दिक भाई और जयदीप ने PhD की हुई है। तो चलो आज मैं रेसिपी एक दे दूंगी, जो रेसिपी है फ्रूटी की। हम रेडीमेड जो फ्रूटी लेते हैं वो हम घर पे भी बना सकते हैं और
शायद 15 या 20 दिन या 1 महीने तक स्टोर भी हम कर सकते हैं, ताकि कोई हमारे घर पे गेस्ट आए तो इसमें सिर्फ पानी ही उमेर के आपको देना है। तो इजी रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है। दूसरा कुछ आप बता रहे थे ना, वो कच्चा वाला, वो कच्चा पान है वो, क्या कहते हैं, आम पन्ना। हाँ। आम पन्ना वो भी अलग होता है, लेकिन आज मैं फ्रूटी की रेसिपी दूंगी। अगर आप लोगों को आम पन्ना की रेसिपी चाहिए तो भी कमेंट करना, 2-3 दिन बाद वो भी दे दूंगी। मैं ब्लॉग उतारूंगा ना तभी दे देना। आतिक भाई के मेरा पकड़े बैठ रहे हैं। पकड़े ले जा। बन चुके हैं 12 और भाभी ने मुझे बुलाया है कुछ नई रेसिपी के लिए। क्या रेसिपी है भाभी? बताया था तो फ्रूटी बनाने वाली होगी। ढीला हूँ बोलो ना, थोड़ा घर को बोलो नहीं। अभी फ्रूटी बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये 15 या 20 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, शायद महीनों भी कर सकते हैं, लेकिन हमने महीनों नहीं किया है तो मैं कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी। और एक कैरी कच्ची लेनी है, ये राजापुरी कैरी है कच्ची, तो राजापुरी तो शेप चाहिए, अरे कितनी मोटी है राजापुरी जो है ना, स्कूल में तो मैं मम्मी ने पूछो राजापुरी जैसे बदनाम कर दी थी स्कूल, अब मम्मी कहीं गई है बस के वाटली मोटी से स्मेल थी खबर पड़े हार्दिक भाई भगवान काई नहीं। हेलो, एक काची कैरी है, पछी कच्चा आम लेने का है, कच्चा आम लेना है, फिर उसके बाद एक कच्चा आम लेना है और 2 पक्का लेना है सेम ही साइज का। हाँ। लेकिन एक कच्ची वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो मैं पक्की वाली 3 ले लेती हूँ। हाँ, तो साइज के हिसाब से मैंने बताया ना। हाँ। ये राजापुरी जैसी साइज की लगती है। हे भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ, दे दिया, चलो अभी आगे बढ़ो। तो बस अभी छिलके निकाल के आपको रेडी करनी है। फिर से मैंगो कटिंग शुरू हो गया है और यहाँ पर फोकस चला गया है, तो ये तीनों मतलब कि चारों कैरी का ऐसे टुकड़ा करके बॉईल करना है आपको। 2 तरह के करते हैं लोग, कोई लोग पहले पीस लेते हैं बाद में बॉईल करते हैं, मतलब कि चूल्हे पे चढ़ाते हैं, और मैं यहाँ पे ये आम के टुकड़े ही बॉईल करती हूँ पहले। बराबर, तो अभी ये सारे पक्के और कच्चे आम जा रहे हैं कुकर में। यस, आपको एक विसल बजानी है इसमें, किस में? कुकर में। एक सीटी बजानी है कुकर में, उसके बाद बाहर निकाल देने का, बफा जाएगा एक सीटी में, सीटी थाए बफाए जाए पर बाहर निकल गए, कुकर में नहीं रखो, नहीं उसमें ही बनाने का ऐसा कॉमन सेंस। ए भगवान, नकारी ना कोई ना हो, એમાં એવું બનાવવાનું હોય એવું કઈ ન જરૂરી હોય કે બહાર કાઢી ને બને, સદબુદ્ધિ દે ભગવાન સદબુદ્ધિ। यहां पे मैंने कुकर में डाल दी है कट की हुई आम, और यहां पे एक सीटी तक हमें रखना है। यस भाई, सबले में मैंने पानी रखा है, पानी में डाल दूंगी शुगर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूं, 1, 2, 3 और थोड़ा सा 3.5। Yes. बाद में चक के और ज्यादा कम कर दूंगी, 3.5 रखे भी डाल दी है शक्कर। हाँ। तो पता है मुझे कम ही पड़ेगी, लेकिन अभी मैं थोड़ी ज्यादा मीठा नहीं बनाना है, चलेगा। क्या है कि ये थोड़ा थिक बनाने वाले हैं हम लोग, गेस्ट आए कोई भी तो आपको थोड़ा सा डालना है और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना है और गेस्ट को देना है, इस हिसाब से अभी थोड़ा मीठा ही बनेगा, अभी लगता है मुझे कम ही पड़ेगा, एक और मैं डाल देती हूँ। 4 रखे भी हो गए। तो इस हिसाब से पानी हम बाद में डालेंगे, तो हम बाद में शुगर नहीं डालनी पड़े, इसलिए अभी हम थोड़ा मीठा ही बनाएंगे। ओके। तो यहाँ पे शुगर जब मेल्ट हो जाए तब तक ही रखना है, ज्यादा चाशनी वगैरह नहीं करनी है, मेल्ट हो जाए तब तक। ओके। तो हमारा ये मैंगो बफा के रेडी हो गया है, मस्त स्मेल आ रही है, जोरदार एकदम फ्रूटी जैसी स्मेल, फ्रूटी जैसी आ रही है, खट्टी मीठी एकदम, तो एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो अभी ये ठंडा हुए तब तक हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये ग्राइंड करना है, तो मिक्सर जार में हम डालेंगे तो ये गर्म नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद, तो थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। तो आज लंच में है हेजू की फेवरेट भिंडे की सब्जी
और इसमें क्या है, ये मेरी फेवरेट बटेके की सब्जी। सब आपका ही फेवरेट होता है। फोकस चला गया है, क्या बोल रहे हो? आपका ही फेवरेट सब बन रहा है। मेरा और हेजू का दोनों का है, और ये है आज का रस, छोड़दार रस। तो खा लेते हैं, अभी खाने के बाद रेसिपी की कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी ये वाला जो आम था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, और यहाँ पे मैंने शुगर वाला पानी था, यहाँ पे मैं मिक्सर में डाल देने का है। खट्टा मीठा आम मिक्सर किया हुआ वो सब डाल देने का है, अभी छान लेना है। और नीचे जो शुगर का पानी है वो है, और यहाँ पे जो आम बॉईल किए हैं वो है। हमें स्मेल आ रहा है आपको? हाँ, कैसा स्मेल आ रहा है? मस्त मस्त, मीठी 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 रुचा हो नहीं तो आकार से दोनों करना चाहो तू भूली गयो मम्मी को याद रख के भी क्या करना हम है ना। मम्मी का दूधी कोफ्ता बहुत अच्छा आता है। आता था वो मम्मी लगते है मेरे मैरिज के पहले ही भूल गए सब कुछ भूल गए नहीं आवड़ तो मेरे पछी एक बार कह रहूं तो ना तब मलवा गया था ना पछी कह रहूं करया छे पण बतो भूली गयो मने याद छे मने एम के जवाबदारी माथी छूटी गई बधी जवाबदारी जम्माली रसोई ली तारा ऊपर एम के। इसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं तो शायद लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता शायद। हो मैंने कभी एक्सपीरियंस ऐसा किया नहीं है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए वो रस रस गर्म करके भरते हैं उसमें भी ऐसा ही रहता है। उसमें भी एसेंस डालते हैं વધારે લોંગ ટાઈમ માટે એ લોકો વાપરવાનું હોય ને, એટલે મહેમાન આવ્યો હોય ને આપણે પાયું નહીં, મહેમાન બીમાર પડ્યા પેલા ટ્રાય કરવાની આપણે। तो अभी ये हमारा मैंगो का yes, वो मैंगो पल्प और शुगर वाला पानी वो दोनों मिक्स कर दिया है, तो इतना गाढ़ा आपको दिखेगा। तो अभी इतना तो हमें स्टोर कर देना है, बाद में आपको जितना चाहिए उतना पानी डालना है। जैसे कि अभी मैं बता ही देती हूँ टेस्ट के लिए, तो अभी दो चमचे डाल दिए हैं बड़े बड़े, तीन चमचे और फिर एक बर्फ डाल दिए बर्फ थोड़ा पानी ये पानी मिक्स कर दिया है पूरा फ्रूटी का वो हमने कॉन्सेप्ट चुरा लिया है। पहले एक्सपेरिमेंट मम्मी के ऊपर ही आपके ऊपर हाँ एक्सपेरिमेंट के लिए तो बनाऊंगा बड़ा सा चले नहीं है मम्मी एक्सपेरिमेंट आने को बिन ओशर आने का फायदा मम्मी ने तो गड़ू गड़े से मम्मी आना थी गरम गरम से शेक फिर जाए गरम गरम पी पाछो અરે ગળું ગળે છે ને રેવા જો તમે ટેસ્ટ કરી લો ને ના ના તમે કરો હું બનાવ્યો ને એટલે મને ટેસ્ટ કરવું ન ગમે ગળું મોડું। તો અભી ધુરંધર ટેસ્ટ કરતે હુએ થોડા કમ મીઠા હોગા શાયદ થોડા કમ હે પર અચ્છા હે મસ્ત હે મીડિયમ હે ફ્રૂટી જ લાગે તો અમે મમ્મી ફ્રૂટી કીને આવી નાની નાની બોટલ છે ને ઈ ભરી દેવાની અને મહેમાને આ બોટલ જ આપી દેવાની આ ફ્રૂટ ફ્રૂટી ની બોટલ માં અમારું ઘરે બનાવ્યું આવી જાજો બધા પીવા। ફાઈનલી અભી અમારા ઈ ફ્રૂટી રેડી હો ચૂકા હે, ઠંડા ભી બોલ સકતે હો, માઝા બોલ સકતે હો, સ્લાઈસ બોલ સકતે હો, આપકો જો નામ પસંદ હો સબ ટેસ્ટી સ્મેલ। હમ તો યે મેંગો ઓરિજિનલ મેંગો જ્યુસી કી બોટલ વે ભર રહે હે, ઓરિજિનલ લગેગા ઘર કા બનાયો, નામ અમને કુછ દિયા નહીં હે। હમ તો અભી हम स्टोर करने के लिए बोतल भर देंगे। कंप्लीट ऑफ ओरिजिनल फ्रूटी अब ये कोको कोला बोतल में थोड़ी अब ये हमारा डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल हो गया, ये अपनी डुप्लीकेट है, ये सैंपल कैरियर है। ऑर्डर भी दे सकते हो आप देना हो तो रेडी लो कंप्लीट बे बोतल थे। हां और मैं बता दूं वो शुगर मैंने डाली थी वो थोड़ी कम पड़ी थी, तो मैंने थोड़ी एक
नहीं, दो चम्मच मैंने फिर से शुगर ऐड की थी, तो वो आप अपने हिसाब से कर डाल सकते हो। ठीक है, फिंगर नहीं। तो दोपहर के बज चुके 5 और यहाँ पर हमारी नन्ही सी शेफ आ चुकी है। क्या बना रही हो येजू? काम बढ़ाने के काम बढ़ाने। येजू क्या बना रही हो? पॉपकॉर्न। कई रीते बनावा है बेटा ने? हैं हूँ एन पूछू ही तुमने पूछे शेफ ने जी कापता बोका शेफ ने कापता ने था उठतो ने के तो कर ने आमा नाखवानो पछी હવે તેને આને અંડા આપી દેવાનું। વેરી ગુડ, પછી શું કરવાનું? ઓવન માં મૂકવાનું। ઓકે, મૂકી દો જાવ। ઉભા ઉભા તા તું ટે સ્ટૂલ લઈ લે, સ્ટૂલ લઈ લે તું। ના ગરમ લાગશે ને? ગરમ ના લાગશે, મૂકી દો। હવે આને આમ કરવાનું, આને એમ કરવાનું, પછી ચીવ ચાલુ કરવાનું। ચીવ 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 ચાલુ કરવાનું, ચીવ કરો। સ્વિચ કરી આ દબાવવાનું, દબાવ જોરથી દબાવવાનું, પછી ચાલુ થાય। બસ, કેટલી મિનિટ મૂકવાનું? 3 મિનિટ। એ જો કેવું થાય છે? પટ પટ હે? પટ 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 દૂર કેમ આવી ગઈ? ઇધર પટ પટ હો રહા હે તો એ દૂર ચલી ગઈ। ટપ 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 ટપ। અભી અમારા યહાં દૂસરા પેકિંગ ઉલળ રહા હે ઓર બડે શેફ આ ગયે હે। સાદા ખાના થા તો ઉસકે લીએ સાદા બના દીએ ભપુલિયો। ફાઈનલી અમારા યે મસાલા વાળા ઓર યે સાદા પોપકોર્ન રેડી હો ચુકા હે। લેકિન નુકસાની બહોત બડી હુઈ હે। ક્યા નુકસાની હુઈ? યે વાલે પોપકોર્ન હમને જો ઓવન કે બાઉલ મે બનાયે વો બાઉલ દિખા દો ના, દિખા દો ના, બાઉલ ફૂટ ગયા। હા, પૂરા યહાં પે ક્રેક હો ગયા હે। તો પતા નહીં ક્યું એસા હોય તો અચ્છી તરહ સે ફૂલે ભી નહીં। જ્યાદા ગરમ હો ગયા હોગા ના? યે વાલે કિતને બડે હુએ। યે ફૂલે ભી નહીં ઇતને। કોઈ બાત નહીં, કભી કભી ફૂલ ગયા। 30 રૂપિયે કે પોપકોર્ન મેં થોડી જ્યાદા નુકસાન હો ગયું। કાલ ફૂટા હે તો અચ્છી ખુશખબર ભી આ સકતી હે, તો બને રહી। અભી ભજન લે લેતે હૈ, ભજન રેડી હૈ? ભજન બિના નહીં અચ્છા લગતા એમ ને? તું તો હમણાં કે દીધી ભજન વિડીયો પૂરો હાલ છે, વિડીયો વાળા ને કહું છું। ભજન તો ચાહીએ ને વિડીયો માં। એ રંગ એવો લાગે તો જીવના ધન્ય બની જાય, એ પ્રેમ એવો જાગે તો જીવના ધન્ય બની જાય, એવો તે રંગ પેલા મીરા બને લાગ્યો, ગિરધર જોયા વે તો જીવના ધન્ય બની જાય, એવો તે રંગ પેલા નરસૈયાને લાગ્યો, શામળિયા શેઠ બની જાય તો જીવના ધન્ય બની જાય, એવો તે રંગ પેલા શબરી બહેને લાગ્યો, વાલો મારો બોર માગે તો જીવના ધન્ય બની જાય, એ રંગ એવો લાગે તો જીવના ધન્ય બની જાય, પ્રેમ એવો જાગે તો જીવના ધન્ય બની જાય। વાહ મમ્મી વાહ, મજા આવી ગઈ ભાઈ? મજા આવી ગઈ ને? અરે તો ભગવાન ના કીર્તન માં મજા જ આવે બધાને ભગવાન। હા, એ જો મજા આવી બધું, એ જો ધન્ય બની જાય, એ જો જોલા કરા પડી એ અમ્મા કરતા કરતા એટલી મજા આવી, એ જો કો ડિસ્ટર્બ હોય। और आज पूरा वीडियो हार्दिक भाई ने शूट किया था, तो प्लीज आप कमेंट करते बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आप हर रोज
हार्दिक भाई से ही ब्लॉग करवाना चाहते तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और कल से हार्दिक भाई अपना खुद का पर्सनल वो क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कितने बजाते हैं, सब हार्दिक भाई कल बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हो हार्दिक भाई का पर्सनल रूटीन तो वो कल हार्दिक भाई बताएंगे। एक मिनट बेटा, काका ऊपर बात कर लेते ओके। और कल हम लोग ट्रैम्पोलिन में हेजू को लेके जाने वाले हैं, तो और कल भी हार्दिक भाई कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज मोटिवेट करना हार्दिक भाई, और हार्दिक भाई का रूटीन हार्दिक भाई कल बताएंगे। भाभी ऐसे ना मोटा जबर फाप मार दी तुझे, एटले कोई कमेंट नहीं करता। बस आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करवा दो जल्दी जल्दी। कल मिलेंगे हार्दिक भाई के साथ। बाय 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 बाय।